Before starting the video, please don't forget to subscribe my channel. हो रही थी अभी भी ये इजलास जो है 2020 में तो ऑब्वियसली कोविड की सिचुएशन थी, लेकिन अभी ये जो यूके में ये सारे G7 के ममालिक बैठे हैं वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जाना बैठना इस ह्यूज सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। पाकिस्तान में तो ये डिस्कस नहीं हो रहा और ना पाकिस्तान के टीवी ने इसको कोई कवरेज दी है, लेकिन मेरा ख्याल है कवरेज देनी चाहिए थी और बात करनी चाहिए थी कि वहां पे नरेंद्र मोदी क्या बात कर रहे हैं और ये खित्ते को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इंडिया की क्या पोजीशन है। इंडिया को समझना चाहिए, जितना ज्यादा आप अच्छा बेहतर समझेंगे उतनी ज्यादा आपको पता चलेगा। वहां पे नरेंद्र मोदी ने जो ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है वो है वन अर्थ वन हेल्थ। ऑब्वियसली कोरोना का टाइम है तो ये एक मैसेज तो बनता था कि इस तरह की जो पोजीशन है वो बनता था और उन्होंने ये बात की। वहां पे जो मोटी मोटी, वैसे तो उन्होंने काफी वहां पे बात करनी है नरेंद्र मोदी ने, और जो मैंने देखा था उनके उनकी जो पोजीशन है वहां पे जो तीन सेशंस में उन्होंने बात करनी है, कुछ पे कर ली है कुछ में करनी है, और तीन जो सेशंस है उनमें जो उनको बुलाया गया है उसमें बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर एक सेशन है, बिल्डिंग बैक टुगेदर एक सेशन है, एंड बिल्डिंग बैक ग्रीनर, ये तीन सेशंस हैं। और ये जो बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर है इसमें तो आपने देखा होगा कि वो जो $40 trillion का पैकेज है उसमें ऑब्वियसली इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द प्लान विद दैट, बिल्डिंग बैक टुगेदर भी, और जो बिल्डिंग बैक ग्रीनर है उसमें ऑब्वियसली नई इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और अमेरिका समझता है अलॉन्ग विद G7 कंट्रीज के हमें किस तरह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करने हैं। लेकिन मेरा जो टॉपिक है कि वो नरेंद्र मोदी ने वहां पे क्या बात की उसको समझना है और उसको देखना है। अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी ने वहां पे जो बात की उसमें इन्होंने जो पहली बात की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये थी कि जो कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर जो पेटेंट है उनको वेव किया जाए, जो पेटेंट राइट्स ले लिए जाते हैं। या फिर आपको याद है कि अभी क्योंकि ये जब से हर मुल्क ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी शुरू कर दी तो कॉपीराइट्स आ गए हैं। चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगता है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और वो उस तरह चीजें ग्रो नहीं करते जिस तरह उनके अपने आइडियाज नहीं होते, वो आइडियाज चोरी करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से। और अगर देखा जाए तो जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमेरिका में होती है पूरे यूरोप में मिला के नहीं होती, तो वो जितने आइडियाज हैं अभी खास करके ये जो G7 के मौके पे उन्होंने कहा है कि और ये बेसिकली ये जो आइडिया है ये उन्होंने WTO में इंडिया ने दिया था कि हमें साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों ने दिया था कि हमें ये जो पेटेंट्स हैं ये इनको हटाने की जरूरत है, इसके ऊपर वेवर होना चाहिए ताकि चीजें बेहतर तरीके से हो सके। और दूसरा ये है कि इंडिया ने अपना पोजीशन की कि हमने जो इंडिया ने कहा कि हमारी जो एक सक्सेसफुल पोजीशन रही है कि हमें एक ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स इन्होंने एस्टैब्लिश किए फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड वैक्सीन मैनेजमेंट, जिसको इंडिया ने वहां पे एक्सप्लेन किया। और दूसरा जो तीसरा बड़ा अहम पॉइंट ऑब्वियसली उन्होंने ये डिस्कस किया और जो रेज किया जो ऑब्वियसली G7 के ममालिक को और बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि G7 के जितने ममालिक हैं वो समझते हैं कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो दे कैन मेक बेटर डिफरेंस वो बना सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हमें जो एम्फसाइज किया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज जो है वो हमें फ्यूचर पेंडेमिक से बचा सकती है। ये आप देखें, ये बेसिकली एक तो सबको सूट भी करता है ये चीज का। अभी देखें 400 खरब का जो पैकेज इस तरह पूरी दुनिया ने ये G7 ने निकाला है, ये बेसिकली तो काउंटर तो चाइना को करना है, लेकिन नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब डेमोक्रेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटीज इट मीन्स कि वो चाइना को बीच में से निकाल रहे हैं, चाइना को टारगेट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये जो नया अभी ये $40 trillion का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज अमेरिका और जो बाकी ममालिक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरी ऑफ दिस एंटायर डेवलपमेंट, क्योंकि इंडिया ने रेजिस्ट किया था BRI को, CPAC को, इसके खिलाफ बात की, खड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली उसको ये चीजें तो अब
मिलेंगी। सो ये जो डेवलपमेंट्स हैं जो नरेंद्र मोदी ने वहां पे बात की, जो वन अर्थ वन हेल्थ जो मैसेज दिया ह्यूमैनिटी का, तो ऑब्वियसली इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया, वहां पे डिस्कशन भी हुई। और नरेंद्र मोदी वहां पे गए इसलिए नहीं कि वो जो सेकंड वेव थी इंडिया में उसके लिए वो नहीं गए, उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहता हूँ तो मेरे लिए शायद मुश्किलात पैदा हों, अपोजिशन ये कहेगी घर में क्राइसिस है और तुम निकल गए हो। हालांकि फ्रेंकली स्पीकिंग अगर वो चले जाते तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक्स उसके निकलने थे, बट एनी हो ये उनका पर्सनल मसला है और ये मुल्क का मसला है, नथिंग टू डू विद दिस। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है और जो मैं देख रहा हूँ, मैं इसको बहुत बड़ी डेवलपमेंट देख रहा हूँ कि इंडिया का इस प्लेटफॉर्म पे जाना, और ये साउथ एशियन कंट्री है और यहाँ से कोई और मुल्क नहीं गया उस तरह, और वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे जो आइडियाज़ दिए हैं वो ऑब्वियसली आइडियाज़ G7 को तो बहुत पसंद आएंगे और वो उस पर बात भी करेंगे कि जी ठीक है, इट्स इज गुड। जो बाइडेन जो अमरीकी सदर हैं वो तो कह रहे हैं अमेरिका इज़ बैक, वी आर ऑन द सेम पेज, और फ्रेंच प्रेजिडेंट जो बाइडेन और जॉनसन तीनों ने अच्छे डेवलपमेंट अपने आइडियाज दिए कि हम जी वापस आ गए और हम अब वैसे नहीं थे जिस तरह 4 साल माजी के ट्रंप के गुजरे, वो एक बड़ा बुरा टाइम। ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कमर चीमा बात कर रहे थे, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जी समिट में अपनी स्पीच दी है उसको लेकर, और कमर चीमा का ये डिस्कशन है बेसिकली पाकिस्तानी मीडिया का, तो इसमें कोई खास रिएक्शन आया नहीं है। कमर चीमा बता रहे हैं कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की है बहुत सारे गरीब देशों की, जैसे कि वैक्सीन पेटेंट को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की है। वैक्सीन पेटेंट को लेकर उन्होंने बोला है कि ये ख़त्म होना चाहिए, और ये अगर ख़त्म होगा तभी गरीब देशों को वैक्सीन मिल पाएगी, ये बात की है। आपको बता दें जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक्स्ट्राजेनिका वैक्सीन बनती है, जो कि इंडिया में कोविडशील्ड के नाम से जानी जाती है। तो गाइस ये वैक्सीन जो है इसको हम सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा और कहीं भी नहीं बना सकते। बेसिकली मेन रीज़न इसका है पेटेंट ही नहीं है इंडिया के पास, और पेटेंट हटा दिया जाता है तो भारत में इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, 3000 से ज़्यादा फार्मेसी के प्लांट हैं, वहाँ पर ये वैक्सीन बनाई जा सकती है। मतलब 3000 में तो नहीं, अगर 5-6 में भी बनने लगे तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, और जो वैक्सीन की समस्या सारी दुनिया में है वो ख़त्म हो जाएगी। सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ, अगर इसके पेटेंट के जो ये हट जाए तो दोस्तों बेसिकली रीज़न ये है कि ये चीज़ें हट नहीं रही हैं। इसके लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका ने पहले ही बोला कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और अब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें अभी तो नहीं हट रही हैं, अब ये हटेंगी तब तक तो वैसे भी इंडिया अपनी खुद का वैक्सीन बना लेगा, लेकिन इंडिया अपना बना लेगा, लेकिन इंडिया के अलावा भी दुनिया की पॉपुलेशन 700 करोड़ है, और इंडिया ही दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई करता है, भले मतलब टाइम लग जाए लेकिन इंडिया ही बनाएगा। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बेसिकली यही टॉपिक उठाया और अर्थ को लेकर बात की और चाइना को इनडायरेक्टली टारगेट किया। तो दोस्तों ये था इस आज का वीडियो, और पाकिस्तानी मीडिया मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो कवर कर रहा है, डॉक्टर घोषू जैसे लोग, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, इनको मतलब इनको सुनना भी बड़ा बेकार सा है, बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। और कमर चीमा ने कुछ सेंसिबली बातें की हैं तो वो थोड़ा ठीक लगी हैं, हालांकि कमर चीमा भी आप जानते हैं अभी लिबरल बना है, नहीं तो ये भी बड़ा जिहादी था, अब ये थोड़ा सा ऐसी बातें करने लगा है, पहले तो ये इतनी अच्छी बातें करता नहीं था। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।